नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका झा। द्वारका में 6 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने दिल्ली सहित पूरे देश को किया शर्मसार। द्वारका सेक्टर 23 मंगलवार दोपहर को एक वहशी दरिंदे ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची स्कूल से आकर बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे फ्रूटी दिलाने के बहाने अपने साथ काफी दूर द्वारका अंडरपास के पास झाड़ियों में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया और उसके बाद उसको रोता बिलखता छोड़कर झाड़ियों से निकलकर फरार हो गया। मासूम बच्ची रोते बिलखते घसीटते हुए जैसे तैसे रोड के किनारे पहुंची। एक राहगीर ने उसको देखते ही पुलिस को तुरंत सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया व स्थानीय निवासियों से पूछताछ करते हुए बच्ची के माता पिता को घटना के बारे में बताया। इलाका पुलिस ने गहन पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक युवक को बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखा। आरोपी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस पूछताछ में आस पड़ोस के अनुसार आरोपी को इलाके में कई बार घूमते देखा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी दरिंदे को इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के पर्सनल पार्ट में काफी खून बहने से बच्ची को सफदरजंग में रेफर कर दिया गया। यहाँ के डॉक्टर के अनुसार बच्ची के पर्सनल पार्ट की नसें फटने से उसकी स्थिति अभी भी अति नाजुक बनी हुई है। आरोपी दरिंदे का नाम मोहम्मद अन है, उम्र 24 साल व बुलंदशहर का रहने वाला है। आरोपित ने अपना जुर्म कबूलते बताया वह दिल्ली में 3 महीने पहले ही बुलंदशहर से दिल्ली आया था। पीड़ित मासूम बहुत ही गरीब परिवार से है। उसकी माँ लोगों के घरों में सफाई का काम करती है और पिता बेलदारी का काम करता है। माँ बाप से बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही। पीड़ित के माँ बाप ने मीडिया समक्ष रोष जताते हुए कहा, हमारी मासूम की बुरी दुर्दशा करने वाले वहशी दरिंदे को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, जो जायज भी है। धरा पर बच्चियों को संरक्षण हेतु जीने का अधिकार नहीं है क्या? दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति जयहिन बच्ची से मिलने सफदरजंग अस्पताल पहुंची और वहशी दरिंदे को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग की है। समाज सेविका अनीता ने कहा, सरकार के खोखले नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां तक सार्थक है। सरकार में बैठे कुछ नुमाइंदे द्वारा हर समय वैश्विक दरिंदे की सजा को दया के नाम पर कम करने की अपील करना ही आए दिन मासूमों के साथ होती दरिंदगी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। क्यों सरकार बेटी बचाओ के नाम पर भारत माँ की हर बेटी को आज भी संरक्षण प्रदान करने में नाकाम सिद्ध हो रही है? महिला संरक्षण के बिना देश का विकास होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर कब तक मासूम निर्भया का जन्म होता रहेगा? पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी दरिंदे को जेल के सलाखों के अंदर पहुंचा दिया है। दरिंदगी केस के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर फांसी सजा में नाम पर नाम मात्र बढ़ोतरी ही मासूम रेप घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होने का मुख्य कारण हमारे देश की यह ढीली ढाली लचर कानून व्यवस्था काफी हद तक दोषी है। देश के अंदर ज्यादा आबादी पर रोक लगाने से पहले नई मासूम निर्भया का दोबारा जन्म ना हो पाए लगाम कसना जरूरी नहीं है क्या? देश की सरकार आखिर महिला संरक्षण को धरातल पर सही से उतार पाए? दिल्ली से अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट।